नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई कैसे करें जो अच्छा उत्पादन हम ले सकें। इसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास इन दोनों को मिलवा के हमने इसमें लगा दिया है। ये हमारे जो गड्ढे की गहराई है वो 30 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 फुट हमने रखी हुई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिंग पिट विधि से हम गन्ने की बुआई कैसे करें, किस प्रकार हम जो गन्ने की बर्ड्स होती है उन्हें किस प्रकार लगाना चाहिए। तो वीडियो में आप पूरा बना रहे, इससे आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो बीज की जो हमारी बीज की जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है। ये हमारे गड्ढे हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसमें हम रिंग पिट विधि से हम अपनी कैसे बुआई करें। ये हमने नीचे गोबर की खाद मिला दी है और साथ में इसके ऊपर हमने अभी DAP वो सॉरी सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास मिला के हमने इसमें लगवा दिया है। कुछ समय बाद हम इसको नहीं छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसमें जो है गन्ने की बुआई करेंगे। कैसे गन्ने की कैसे बुआई करनी है, एक गड्ढे में कितनी आँख हमको लगानी है, हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो के में आप बने रहे लास्ट तक। दोस्तों, ये हमारी रिंग पिट गड्ढे हमने बनकर तैयार कर दिए। हमने इन पर मिट्टी 2 इंच मिट्टी लगा चढ़ाई है बस। गन्ने पर ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि बर्ड ज़्यादा दब जाती हैं। और इसमें हमने 15 आँखें लगाई हैं, 14 से 15 बर्ड्स हैं। ज़्यादा बर्ड्स होने से एक होता है कि टिल्लिंग ज़्यादा हो जाती है और टिल्लिंग जब ज़्यादा होती है तो हमारा जो गन्ने का फुलाव है, गन्ने की जो मोटाई है वो सही प्रकार से हमें नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें भी हमने इतनी बर्ड्स लगाई हुई है। इस प्रकार से आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं रिंग पिट द्वारा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें कुछ हमने थोड़ी सीजल आँखें कर दी हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिंगल बर्ड से हमने इसकी बुआई की है जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी जो है घेर रहे हैं। तो इस पर जो मिट्टी आपको डालनी है वो बहुत ही हल्की मिट्टी हमें इस पर डालनी है। जैसे हम इस पर अब हल्की हल्की मिट्टी बिल्कुल बारीक करके और घेर रहे हैं और फिर इसको हाथों से हल्का हल्का जो है इसके ऊपर कर घुमा देना है। ये हम हाथों से इस पर घुमा देंगे। इसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट और प्लस में पोटास, यानी कि गन्ने को बस हल्का दबाना है और बहुत ही हल्का इसको हमें पानी भी देना है। दोस्तों, ये गड्ढे हमने बंद कर दिए है। इस पे हमने 1.5 से 2 इंच मिट्टी, बस इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं रखनी है हमें। 1.5 से 2 इंच मिट्टी हमें रखनी है जिससे गन्ने हमारे बस दब जाए। ज़्यादा मिट्टी हमें इस पे नहीं चढ़ानी है और धीरे धीरे हम इसकी देखभाल करती रहनी है क्योंकि अब ये उमंज के 7 से 8 दिन में बाहर निकल लेंगी क्योंकि हमने ट्रीट कर रखी थी। एक दिन रात की भिगोई हुई बाउस्टीन में हमने भिगोई थी, उसमें प्लस में 1 किलो यूरिया हमने डाला था। तो ये जो हमारे गड्ढे तैयार हो चुके हैं इसको आप देख सकते हैं और इसमें हमने इनको दबा दिया है। जब ये निकलेंगी, जब हमको दिखाएंगे कितनी अच्छी इनकी टिल्लिंग हुई है, कितनी अच्छी पैदावार हुए हैं। वैरायटी 118 है
और आप जो है वैरायटी को सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ट्रीट करके बोएं, उसमें आप बावस्टीन ले सकते हैं, कार्बन डाइजिम ले सकते हैं, या आप जो है और उसमें आप थाइमोक्सोम या इमिडा इसको मिला सकते हैं, और साथ के साथ उसमें 1 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।